नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, सर्वप्रथम तो आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आपके लिए नववर्ष एक ऊर्जावान और एक नई आशा और एक अच्छे स्वास्थ्य की के साथ नववर्ष आपके लिए मंगलमय हो। आज हम आपके लिए बीकॉम पार्ट प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए ईएफएम पेपर प्रथम में बिजनेस इकोनॉमिक्स यूनिट संख्या फोर्थ विभेदात्मक एकाधिकार के अंतर्गत मूल्य एवं उत्पादन निर्धारण प्राइस एंड आउटपुट डिटरमिनेशन अंडर डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी एकाधिकार के अंतर्गत मूल्य एवं उत्पादन निर्धारण के बारे में, जिसमें हमने अल्पकाल और दीर्घकाल में होने वाली स्थितियों के बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम इसी क्रम में विभेदात्मक एकाधिकार के अंतर्गत मूल्य उत्पादन निर्धारण का एनालिसिस करेंगे। ये मोनोपोली का एक छोटा सा पार्ट है। जैसा कि मोनोपोली में आपको बताया था मैंने, जिसमें अकेला क्या होगा, विक्रेता होगा, अनेक क्या होंगे, क्रेता होंगे, वस्तु विभेद होगा। सेम ऐसे ही है कि विभेदात्मक एकाधिकारी के अंतर्गत हम बात करें सामान्य शब्दों में, तो विभेदात्मक एकाधिकार बाजार की वह स्थिति है जिसमें एक अधिकारी अपनी एक समान वस्तु की भिन्न भिन्न वस्तु या भिन्न भिन्न कीमत वस्तु से वसूल करता है। इसे ही हम मूल्य विभेद या विभेदात्मक एकाधिकार कहते हैं। तो विभेदात्मक एकाधिकार के अंतर्गत विक्रेता एक वस्तु से ग्राहकों से भिन्न भिन्न मूल्य पर वस्तु को क्या करता है, बेचता है या भिन्न भिन्न मूल्य वसूल करता है, इसे हम विभेदात्मक एकाधिकार कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम बात करें विभेदात्मक एकाधिकार की, कि विभेदात्मक एकाधिकार में एक एकाधिकारी एक ही प्रकार की वस्तु को विभिन्न उपभोक्ताओं को भिन्न भिन्न मूल्यों पर बेचता है, विभेदात्मक एकाधिकार कहलाता है। परिभाषाओं की बात करें, श्रीमती जॉन रॉबिन्सन कहते हैं कि एक ही नियंत्रण के अंतर्गत उत्पादित एक ही वस्तु को विभिन्न क्रेताओं को विभिन्न मूल्यों पर बेचने की क्रिया को मूल्य विभेद कहा जाता है। स्टिंगलर के अनुसार भी ये कहते हैं कि समान वस्तुओं के लिए दो या दो से अधिक मूल्य वसूलने या वसूल करने को मूल्य विभेद कहते हैं। बेन भी कहते हैं कि बेन के अनुसार मूल्य विभेद विशेषतया उस क्रिया की ओर संकेत करता है जिसके द्वारा वस्तु का एक ही या एक साथ विभिन्न क्रेताओं से भिन्न भिन्न मूल्य वसूल करता हो, या हम निष्कर्ष रूप से डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली की हम बात करें तो निष्कर्ष रूप से हम ये कह सकते हैं कि मूल्य विभेद एक एकाधिकारी की उस क्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा वह अपने द्वारा उत्पादित एक ही वस्तु के विभिन्न क्रेताओं से विभिन्न मूल्य वसूल करता है। तो इस प्रकार से हम विभेदात्मक एकाधिकार के अंतर्गत मूल्य निर्धारण की बात करें तो विभेदात्मक एकाधिकार के अंतर्गत मूल्य निर्धारण में एकाधिकारी का उद्देश्य अधिकतम अपने लाभ के द्वारा या लाभ को अधिकतम करना इसका उद्देश्य होता है। जो विभेदात्मक एकाधिकार में वह मांग की लोच के अनुसार विभिन्न क्रेताओं से विभिन्न कीमतें वसूलता है। यदि बाजार एक ही हो तो एकाधिकारी सीमांत आय को सीमांत लागत के बराबर करके अपना लाभ अधिकतम कर सकता है। लेकिन विभेदात्मक एकाधिकार में अलग अलग बाजारों की स्थिति में लाभ को अधिकतम किस प्रकार से किया जा सकता है, जिसमें हम बात करें पहले प्रत्येक बाजार में सीमांत आय को सीमांत लागत के बराबर करके लाभ अधिकतम किया जा सकता है, मतलब किया जाए, या सभी बाजारों के सीमांत आगम या सीमांत आय के कुल योग को कुल सीमांत लागत के बराबर किया जाए, जहाँ पर विभेदात्मक एकाधिकार में मूल्य निर्धारण की दो स्थितियाँ अपने सामने आती हैं। जब एकाधिकारी का सभी बाजारों पर एकाधिकार हो,
या दूसरी कंडीशन ये हो सकती है जब एकाधिकारी का संरक्षित घरेलू बाजार एवं प्रतिस्पर्धी विदेशी बाजार हो, वो स्थिति सामने होती है। तो पहले हम बात करें पहले पॉइंट की, जब एकाधिकारी का सभी बाजारों में एकाधिकार हो, जब एकाधिकारी का सभी बाजारों में क्या हो, सभी बाजारों में एकाधिकार हो, पहले इस कंडीशन को हम देख लेते हैं। यहां पर बाजार ए और बाजार बी और कुल बाजार के रूप में हम करेंगे निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है। बाजार ए और बाजार बी और तीसरी है कुल बाजार, ए प्लस बी। ये वायु अक्ष अपना है। यहाँ पर बात करें हम आगम की, आगम आ गया, यहाँ पर क्वांटिटी मात्रा की। इस प्रकार से हम बात करेंगे प्रथम बाजार की, तो इसमें AR और MR वक्र क्या होगा, गिरता हुआ होता है AR वक्र और MR वक्र। तो बाजार की स्थिति में B की भी हम इसी प्रकार से एनालिसिस कर सकते हैं कि किस प्रकार से बाजार का क्रियान्वयन होता हो सकता है। तो यहाँ पर पोजीशन ए की स्थिति हो जाएगी। बी बाजार की हम बात करें तो AR और MR वक्र मैंने जैसे आपको बताया यहाँ पर गिरते हुए होंगे जब सभी बाजारों में एकाधिकार की स्थिति सामने होगी। तो ये स्थिति यहाँ पर समान रूप से न मान के 50, यहाँ कॉस्ट है 100, यहाँ पर 50। बी बाजार की स्थिति को हम क्रियान्वित कर सकते हैं 50-200। अब कुल बाजार के रूप में इस प्रकार से सचित्र इसका डायग्राम बनेगा। कुल बाजार के अंतर्गत AR वक्र और MR वक्र इस प्रकार से होगा। तो ये स्थिति अपनी कुल बाजार की होगी। तो यहाँ पर अधिकतम लाभ की स्थिति का चित्रण इसमें किया जाएगा। तो इस प्रकार से जब एकाधिकारी का सभी बाजारों पर एकाधिकार हो तो इस प्रकार से डायग्राम्स के माध्यम से क्रियान्वित किया जाएगा। तो हम जब एकाधिकार को सभी बाजारों पर एकाधिकार हो तो इसकी हम एनालिसिस की बात करें तो विभेदात्मक एकाधिकार में लाभ को अधिकतम करने की दो शर्तें हैं जिसमें दो शर्तों की पूर्ति आवश्यक है। जब सभी बाजारों में उसकी सीमांत आय क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। जब उसकी कुल सीमांत आय और कुल सीमांत लागत के बराबर होनी चाहिए। प्रथम बाजार की सीमांत आय दूसरे बाजार की सीमांत आय या कुल सीमांत लागत बराबर होनी चाहिए। तो ये स्थिति सामने होती है कि किस प्रकार से क्रियान्वित किया जाएगा। अब हम बात करें इसी क्रम में जब विभेदात्मक एकाधिकार मूल्य निर्धारण में, तो यहाँ पर अपनी स्थिति ये आई MR मार्जिनल कॉस्ट ए बाजार की बराबर मार्जिनल कॉस्ट MR बी, और इन दोनों पे मार्जिनल कॉस्ट का जब एनालिसिस होगा उस आधार पे, अर्थात यहाँ पर हम बात कर सकते हैं ए और बी में या कुल बाजार में एकाधिकारी अधिकतम लाभ कमा पाता है। अब हम बात करें इसी क्रम में जब एकाधिकारी का घरेलू या संरक्षित घरेलू बाजार एवं प्रतिस्पर्धी विदेशी बाजार हो, राशि पतन हो, तो किस प्रकार से किया जाएगा। तो उसको भी हम एक डायग्राम्स के द्वारा समझ लेते हैं और इनसे और अच्छे से समझने के लिए आपको इसमें बुक्स का थोड़ा सारा लीजिए, उसको आप अच्छे से पढ़िए जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा और इनसे संबंधित या इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में अगर आता है तो आप आसानी से यूनिट संख्या 4 में
कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे इसकी सेकंड कंडीशन की, जब एकाधिकारी का घरेलू बाजार में जब एकाधिकारी का घरेलू बाजार में या घरेलू बाजार एवं प्रतिस्पर्धी विदेशी बाजार हो, उस स्थिति में हम बात करें तो वायु अक्ष, जब घरेलू बाजार एवं प्रतिस्पर्धी विदेशी बाजार हो, राशि पतन हो, तो यहाँ पर AR वक्र और दोनों पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, उसमें दोनों बात करें तो AR वक्र MR वक्र यहाँ पर क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर दोबारा उसकी बात करें पूर्ण प्रतियोगिता में, तो ये अपना क्या हो गया AR वक्र, और AR वक्र पे इस प्रकार से एनालिसिस किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो स्थिति सामने हुई मार्जिनल रेवेन्यू की या MR की, तो वो भी एक अहम तरीके से क्रियान्वित हो पाती है। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया अपना मार्जिनल कॉस्ट का एनालिसिस, तो हमें घरेलू विदेशी बाजार के अंतर्गत इस प्रकार से क्रियान्वित किया जा सकता है यहाँ पर अपनी 50-100 यूनिट्स के आधार। तो इस प्रकार से जब घरेलू विदेशी बाजार का प्रतिस्पंदी हो, तो इस प्रकार हम देखेंगे कि इसके अंतर्गत एकाधिकारी अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए मूल्य विभेद की नीति को अपनाता है, तथा इस नीति के अंतर्गत विभिन्न ग्राहकों से विभिन्न मूल्य भी क्या करता है, वसूल करता है, अर्थात विभिन्न उपभोक्ताओं के मध्य भेदभाव करता है। तो इस प्रकार इस नीति के अंतर्गत जब घरेलू बाजार में ऊंचे मूल्यों पर माल बेचता है तथा विदेशी बाजार नीचे मूल्यों पर माल बेचता है, तो इस क्रियाओं को अपने लाभ को अधिकतम कर सकता है। तो इस प्रकार हमने आज इसी क्रम में, इसी यूनिट के अंतर्गत हमने अध्ययन किया कि किस प्रकार से विभेदात्मक एकाधिकार के अंतर्गत मूल्य व उत्पादन निर्धारण किया जाता है। तो हम आसानी से विभिन्न प्रकार की कंडीशंस देख के एनालिसिस हमने किया। तो अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता के अंतर्गत मूल्य निर्धारण किस प्रकार से होता है। एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता के अंतर्गत मूल्य का निर्धारण, किस प्रकार से एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता या अपूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारण का किया जाता है। तो हम यूनिट संख्या 4 का बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंतर्गत अध्ययन कर रहे हैं मार्केट्स के बारे में। तो मार्केट्स की हम एक बार पुनः रूप से, एक संक्षिप्त रूप से बात करें, तो मार्केट में आपको जो इम्पोर्टेंट चैप्टरों की बात करें, तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार हो या अपूर्ण प्रतियोगिता हो या मोनोपोली हो या फिर विभेदात्मक, इनसे आपके एग्ज़ाम में जो प्रश्न आता है वो इन्हीं से संबंधित प्रश्न इस प्रकार से बनता है कि पूर्ण प्रतियोगिता या एकाधिकार प्रतियोगिता के अंतर्गत मूल्य एवं उत्पादन निर्धारण को किस प्रकार से किया जाता है, जिसमें अपने को अल्पकाल और दीर्घकाल में होने वाली स्थिति का चित्रण हमें दिखाना होता है कि अल्पकाल में और दीर्घकाल में किस प्रकार से हमें उनका क्रियान्वयन और एनालिसिस आसानी से हम कर सकते हैं। तो हमें नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं से संबंधित हम चर्चा करेंगे कि एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता या पूर्ण प्रतियोगिता, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंतर्गत या मोनोपोलिक कंपटीशंस क्या है, इसके अंतर्गत उत्पादन एवं मूल्य निर्धारण किस प्रकार से कर सकते हैं। तो हम इसी क्रम में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे कि एक बाज़ार के अंतर्गत या बाज़ार में एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता के अंतर्गत किस प्रकार से मूल्य एवं उत्पादन का निर्धारण कर सकते हैं।
तो हम इसी क्रम में नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत ही बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।